क्या सच में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है? आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखता है, आपको कभी लॉस नहीं दिखाया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग की यही रियलिटी है। सो अब इसका ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद ने फील की है, ये चीजें मेरे खुद के साथ हुई है। उस दिन से तुम्हारे उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। इट्स मी काना, फाउंडर ऑफ काना स्टेट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। नाउ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, कुछ चीजें आपको दिखाई जा रही है, नहीं दिखाई जा रही है, या फिर अभी तक आपने इस टॉपिक पे वीडियो देखा या नहीं देखा, बट रियली मैं आपको बता सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी कि भाई क्या सच में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, या फिर ये जो ऑपरेटर है आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सभी मिलकर के आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा दिखा के लाइक एक वो कर रहे हैं कि हमारा कोर्स बाय करो, हमारा ये बाय करो, और हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो, हमारे कॉल टिप्स लो। तो ये क्या सच्चाई है कि सच में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है नहीं बनता? तो आज हम लोग डार्क सीक्रेट जानने वाले हैं, क्या सच में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पे हम सभी रिटेलर्स को लाइक जितने भी बिगिनर्स हैं, जिनके लाइक शुरू शुरू में आते थोड़े बहुत प्रॉफिट होते हैं, लेकिन चलते चलते सारा पैसा जो रहता है ना, सारा खत्म हो जाता है। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। ओके, सो अभी हम लोग इस टॉपिक को लाइक ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग कवर करते चलेंगे एक स्टोरी के थ्रू। अब देखो, ये स्टोरी है एक नेताजी की। नेताजी जो होते हैं, आपको पता है नेता लोग होते कैसे, राइट? सो नेताजी जो होते हैं उनकी हो जाती भाई मृत्यु। अब मृत्यु होती है तो उनको दूत लेने आते हैं, राइट? दूत जो यमराज के साथ रहते हैं, वो दूत उनको लेने आते हैं। तो जब यमराज जी के साथ और जो दूत है उनके साथ जाते हैं नेताजी, तो ऊपर जाते ही दूत जो लोग हैं वो पूछते हैं नेताजी से कि आप स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या फिर नर्क में जाना। तो नेताजी कहते हैं कि भाई ऐसा तो मैंने कभी नीचे धरती पे सुना नहीं कि कभी ऊपर पूछा जाएगा कि भाई तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे या नर्क में जाना। तो चलो ठीक है, फिर नेताजी थे तो नेताजी ने कहा कि चलो आपने पूछा है तो चलो मैं इसका जवाब भी दे ही देता हूँ। अब आपने कह तो दिया है भाई कि आप स्वर्ग में जाना पसंद करोगे या नर्क में, अब मैंने दोनों जगह देखी तो है नहीं, मुझे एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप एक काम करो, मुझे स्वर्ग भी दिखा दो नर्क भी दिखा दो। तो भाई साहब यमराज जी कहते चलो ठीक है, वत्स ले चलते हैं तुम्हें। तो जब उन्हें स्वर्ग में ले जाया जाता है तो स्वर्ग में एकदम हरियाली हरियाली, एकदम मतलब जो तितली है वो उड़ रही है, एकदम मतलब आप समझ सकते हो कैसा नेचर होगा, राइट? वैसे ही तो वहां पे जब वो जाते हैं तो वो नेताजी देखते कि भाई कुछ इतना कुछ स्पेशल नहीं है, बस हाँ नॉर्मली सभी के घर हैं, सभी एकदम खुश होके रह रहे हैं और एकदम नेचुरली हरियाली हरियाली है, बस ऐसा कुछ माहौल चल रहा है स्वर्ग में। ओके, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, किसी को कोई कुछ तकलीफ नहीं है, सब मस्त रह रहे हैं, सब मस्त खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर उसी टाइम फिर अब उनको ले जाया जाता है भाई नर्क में। अब नर्क में क्या होता है पता है, जैसे ही वो नर्क में एंटर करते हैं तो नर्क में उनको दिखता है कि सामने डिस्को बार चल रहा है, नाच रहे हैं लोग वहाँ पे, ओके, उसके बाद दारू पी रहे हैं और गरम गरम पानी मिल रहा है मस्त एकदम नहाने के लिए, एकदम जैसे अभी तो ठंड चल रही है। तो एक बात बता रहा हूँ, एकदम बहुत अलग लाइफस्टाइल उनको बताई गई। तो एक तरफ उन्होंने स्वर्ग देखा और दूसरी तरफ उन्होंने नर्क देखा। अब आप ये बताओ कमेंट करके, 2 सेकंड वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके ये बताओ कि नेताजी स्वर्ग में गए होंगे या फिर नर्क में गए होंगे, कमेंट करके बताओ फटाफट। अभी वीडियो को पॉज कर सकते हो और कमेंट करके बताओ कि नेताजी स्वर्ग में गए थे या फिर नर्क में गए थे। आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई नर्क में जाएंगे क्योंकि वहां पे उनको डिस्को मिल रहा है, उनको इतना एंजॉयमेंट मिल रहा है, इतना लाइक सारे दोस्तों के साथ या फिर लोगों के साथ मिलजुल हो रहा है सब कुछ, राइट? सो आई नो बहुत से लोग होंगे जो नर्क बोलेंगे। अब देखो रियलिटी, फिर वहां पे जाके जो नेताजी होते हैं वो जाते हैं तो वहां पे यमराज जो होते हैं उनको बोलते हैं कि यमराज देव मैंने तो सुना था सभी के द्वारा, पंडितों के द्वारा, सभी के द्वारा कि जो नर्क होता है उसमें तो लोगों को लाइक मारा जाता है, बहुत बुरी तरीके की स्थिति होती है, कुत्ता बना देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। तो वहां पे फिर जैसे ही ये बात कहते हैं तो यमराज जो कहते हैं देख लो बच्चे तुम्हारे सामने है जो भी है। तो जब वो वापस से लाइक गेट बंद होता है तो वो उधर देखते हैं और वापस से जब पलटते हैं ना, जब गेट पूरा क्लोज हो जाता है और यमराज जी कह देते हैं कि चलो ठीक है आपका लॉक किया जाए, ओके डन यहीं रहोगे, तो हाँ नेताजी ने कहा जी हम यहीं रहेंगे। तो फिर गेट बंद हो जाते हैं और जैसे ही वो पलटते हैं उस टाइम क्या होता है पता है, जो चीजें थी वो सब उल्टी हो जाती है, यानी कि जो स्वर्ग था वो स्वर्ग और अच्छा बन जाता है और जो नर्क था उस नर्क के अंदर जहाँ डिस्को चल रहा था ना वहाँ पे उनको लाइक नग्गा नचा रहे थे, जहाँ पे गरम गरम पानी नहाने को मिल रहा था वहीं गरम पानी में उन लोगों को उबाल रहे थे, ओके। सो ऐसा पूरा के पूरा उल्टा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक सही जगह एक चयन नहीं किया, यानी कि सही जगह को चुनाव नहीं किया उन्होंने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा देखा, अपना भला देखा कि यहाँ पे मेरा एंजॉयमेंट है, यहाँ पे मैं मजे लूंगा, और मजे के लिए उनका पूरा के पूरा मजा निकल गया। सो अब इसका ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे लोगों की रील्स देखते हैं, 1 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, 1 करोड़ प्रॉफिट, यस
आई नो बहुत से लोग हैं जो वो रील्स देख करके प्रॉफिट्स देख करके ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आए हैं और ऐसा सोच करके आए कि भाई ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर पूरा के पूरा करियर है। आई नो बहुत से लोग हैं जो करियर लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करके आए हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे, किसी ने लाइक लोन लेके काम किया होगा, किसी ने लाइक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा तो उसका स्टार्टअप के पैसों से अपने ट्रेडिंग का स्टार्टअप किया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई छोड़ करके लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग करने का लाइक पूरा के पूरा मूड बनाया। बहुत से कोर्सेस है, आपको अभी तक कोई कोर्स नहीं मिला, कुछ इतनी रियलिटी कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई सच्चाई है क्या। तो देखो सबसे पहली बात, अभी हमने बात की कि आप जब उन लोगों के प्रॉफिट देखते हो तो देखो उनके प्रॉफिट के पीछे का रीजन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, अब मानो कोई 100 रुपए की आपने चीज खरीदी और वो 150 रुपए गई, 200 रुपए गई, 400 रुपए गई, इतना ना लाइक 150 की चीज 200 जाना, ओके 250 जाना, ये तो नॉर्मली है मार्केट के अंदर। यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और कोई ऑप्शन का प्राइस है तो नॉर्मली अगर बैंक निफ्टी है तो वो आराम से इतना वोलेटाइल है कि वो इतना मूवमेंट करेगा। तो अब मानो अगर 150 की बोल रहा हूँ, अगर मान लो इसी को हम लोग 100 मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, अगर इसी चीज को हम लोग 100 रुपए मान लेते हैं तो 100 रुपए को अगर हम लोग खरीद रहे हैं, 100 रुपए के भाव पे अगर हम लोग कोई चीज खरीद रहे हैं और अगर वो 120 जाएगी, यानी कि कितना परसेंट का रिटर्न मिला, 20% का। अब अगर हमने इसके अंदर सिर्फ 10,000 लगाए होते तो 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 2,000 रुपए। अगर यही हम लोग 10,000 की जगह 10,00,000 रुपए लगाते हैं तो उसका 20% कितना होता, 2,00,000 रुपए। तो अगर हम लोग 10,00,000 रुपए लगाते तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 2,00,000 रुपए। अगर इसी की जगह हम लोग 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए लगा देते, मान लो हम लोग 1 करोड़ रुपए लगाते, 1 करोड़ का 20% कितना होता है, 20,00,000 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 20,00,000 रुपए। ये कुछ फंडा होता है कि इतनी वो क्वांटिटी डालते हैं, इतनी क्वांटिटी होती है, इतने लोट वो ठोकते हैं, इतने बास्केट ऑर्डर वो लगाते हैं कि भाई उसके कारण उनके प्रॉफिट्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखता है, आपको कभी लॉस नहीं दिखाया जाता है। देखो अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई बंदा सक्सेस नहीं हुआ, बहुत से लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस है, लेकिन आज आप कुछ कोई ऐसा इंसान है जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपना ताजमहल खड़ा किया है, या फिर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही अपना पूरा के पूरा करियर सेट कर लिया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस वही है जो 1,00,000% डिसिप्लिन से चला है, जो ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम लोग ऑपरेटर के गेम को समझते, ऑपरेटर करता क्या है, सबसे पहले आपको एक दिन प्रॉफिट देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन देगा, चौथे दिन देगा, पांचवें दिन देगा, छठे दिन देगा, चलो 10 दिन सलंग प्रॉफिट हुआ, 1,000-1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग 10 दिन में बहुत खुश हो गए, हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 11वें दिन पता है वो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा, यानी कि उन लोगों को ये पता है कि अपने को दिमाग को, अपना जो दिमाग है ना उसको कैसे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, अपने माइंड को कैसे लाइक ओवर ट्रेडिंग में डालना है, अपने माइंड को कैसे फोमो में अटकाना है, अपने माइंड को कैसे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करवाना है, अपने माइंड को कैसे मनी मैनेज नहीं करवाना है, अपने माइंड को कैसे पोजिशन साइजिंग नहीं करवाना है। तो ये कुछ कारण है, यानी कि पोजिशन साइजिंग में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी किसी किसी जगह पे इतनी ज्यादा क्वांटिटी लगा देते हैं कि जब वो 100-200 या फिर 500-1,000 या फिर एक मान लो अगर 1-2 पॉइंट मूवमेंट कर रहा है तो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट दिख रहे हैं, 500-1,000-1,500 ज्यादा क्वांटिटी लाइक पोजीशन साइजिंग बढ़ाने के कारण, और वहीं पे हमको डर लगता है, वहां पे फिर हम अगर बाहर निकलते हैं उस ट्रेड को छोड़ के, और जब वो ट्रेड निकल जाता है तो फिर हमको होता है रिग्रेट, और जब हमको रिग्रेट होता है तो हम लोग फिर उसी टाइम पे ओवर ट्रेड करने लगते हैं, उसी टाइम पे ट्रेड लेने लगते हैं, टाइम फ्रेम को छोटा करने लगते हैं, और वहां पे हमारा माइंड खराब हो जाता है, और जब हमारा बड़ा लॉस हो जाता है ना तो उस टाइम बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि क्या होता है, ये जो चीजें है ना भाई, ये ऑलरेडी मेरे साथ घटित है, ये चीजें सब कुछ मैंने देख रखा है, रियलिटी है ये, ऑप्शन ट्रेडिंग की यही रियलिटी है। अगर आपने अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग की और आपने इन चीजों को तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ अगर इनको आपने फील किया है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताना, बट ये है या नहीं आप ये मुझे बताओ। अगर आपको देखो अगर ट्रेडिंग के अंदर सच में सक्सेस होना है, कुछ मैं बात बता रहा हूँ ये लिख लो भाई, ये कभी मीटर नहीं चाहिए, दिन के सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड, 3 ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपरली फॉलो, प्रॉपरली डिसिप्लिन से काम, प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम, नो ओवर ट्रेडिंग, कोई फोमो नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, एकदम पेशेंस रख के काम करना है, 9:15 से 3:30 का मार्केट होता है, दिन भर बैठे रहो जब तक ट्रेड नहीं मिले। ये अगर आपने किया तो आप लोग मार्केट के अंदर सक्सेस हो सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अगर आप सीख गए, और अगर आप सच में देखो मैंने तो अभी तक जितने भी लोग देखे हैं उसमें से बहुत से लोग हैं लाइक ये जो मार्केट है ना, देखो रियलिटी ये जो मार्केट है ना, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 4 दिन देगा, 5वें दिन बहुत खुश करेगा, खुश करने के बाद जिस दिन तुम ज्यादा खुश होगा ना उस दिन से तुम्हारे उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, उस दिन से तुम्हारे बड़े बड़े लॉस लाइक तुम्हारे लाइक मतलब कैसा होगा पता है कि देखो अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा आपको पता है कि जितने भी इंडाइसेस हैं
जितने भी इंडेक्स हैं सभी की डेली एक्सपायरी हो रही है, राइट। जैसे कि मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ऐसे डेली के डेली, रोज के रोज ये लोग एक्सपायरी करवा रहे हैं। बंदा क्या करता है, उसके पास अगर कम कैपिटल है, कम पैसा है, छोटा अमाउंट है, तो इंसान पता है जो बंदा वो क्या करेगा, वो एक्सपायरी करेगा, चाहे वो सेंसेक्स की हो, चाहे वो मिड कैप निफ्टी की हो, चाहे वो निफ्टी 50 की हो, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो। भले ही उन लोगों को इसका लॉट साइज या फिर इसके शेयर प्राइस नहीं पता हो, या फिर उनको ATM, OTM, ITM कुछ नहीं पता हो, सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा है, उन लोगों के अकाउंट से लाइक उनके से ब्रोकर ओपन किया है, उनके कॉल टिप पे बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पर अगर ऐसे चल रहे हैं तो भी वो लोग यही करेंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ पूरा जो मार्केट है ना, इमोशंस के साथ खेलेगा, उनको पेशेंस नहीं होगा, उनको जब थोड़ा सा लॉस दिखने लगेगा ना तो वो ज्यादा ओवर कंट्रोल हो जाएंगे, ओवर कंट्रोल होके हर जगह ट्रेड लगाएंगे, और जब वो हर जगह ट्रेड लगाएंगे तो हर जगह ट्रेड सही नहीं जाते। देखो, अगर हमारी कोई स्ट्रेटजी है ना, अगर हमारा प्राइस एक्शन भी है, तो भले जो गूगल है या फिर जो रिटेलर्स है या फिर जो लोग हैं, वो जो प्राइस एक्शन मेकर है, वो कहते हैं कि इसकी 80% एक्यूरेसी है, लेकिन हम लोग अगर उसको 50% भी मान करके चलें, और अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें, या फिर हमारी जो जो चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, लाइक हमारे इमोशंस कंट्रोल, नो ओवर ट्रेडिंग, पेशियंस, ओके, ये जो पूरा गेम है ना, साइकोलॉजी और माइंडसेट का गेम है, ओके। सो अगर आपको इधर सक्सेस होना है ना, तो ये चीज़ें तो होना चाहिए। अगर आपने 3 ट्रेड के ऊपर लिए ना भाई किसी दिन, और आपने ओवर ट्रेडिंग की और आपका थोड़ा सा लॉस हुआ, तो वो लॉस आपको बहुत बड़ा लॉस बना देगा, सच बता रहा हूँ, रियलिटी में, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने फील की है, ये चीज़ें मेरे खुद के साथ हुई है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, राइट। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कभी भी मैंने मार्केट में किसी का कॉल टिप नहीं लेने का। कॉल टिप कैसे नहीं लेने का, कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग रील पोस्ट करते हैं, बहुत से लोग डेली बेसिस पे प्रॉफिट दिखाते हैं, तो मैंने आपको देखो ये तो बता दिया कि उन लोगों का प्रॉफिट करने का कारण क्या होता है, कि वो 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए प्रॉफिट आपको दिखाते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ 20-40-50% ले रहे हैं और आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगा करके, यानी कि अगर वो 100 रुपये लगाएंगे और 20 रुपये बना रहे हैं, वैसे ही अगर वो 1 करोड़ लगाएंगे और अगर 20 लाख बना रहे, तो वो उतना ही बड़ा हुआ जितना अपने लिए 20 रुपया हुआ। तो आप लोग जितना हो सके, अगर आप लोग अभी बिगिनर हो, ओके, या फिर अभी आपने बहुत ज़्यादा पैसा लॉस कर दिया है, तो मेरी बात मानो, तो ये कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग लिख लो, ओके। फर्स्ट, हमारा इमोशंस कंट्रोल, साइकोलॉजी, माइंडसेट एकदम लाइक स्टेबल होना चाहिए। कभी भी हमें लॉस होगा तो हम लोग कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, हमारे अंदर कभी फेयर नहीं आना चाहिए, हम लोग कभी होप में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। होप में ट्रेडिंग कैसा, कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग सिर्फ आशा कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट गिर जाएगा या फिर यहाँ से उठ जाएगा, अभी भी होप में ट्रेडिंग नहीं करने का है। जब हमको मार्केट में दिखेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे, कसम खा लो भाई, सच बोल रहा हूँ, ओके। उसके बाद हमें इमोशन कंट्रोल मैंने बोल दिया, साइकोलॉजी, माइंडसेट, नो ओवर ट्रेडिंग, ओके, फोमो तो हमारे अंदर आना ही चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने बोल दिया एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर फॉलो स्टॉप लॉस, प्रॉपर फॉलो टारगेट, हमारा टारगेट भी हमें फॉलो करना है, हमारे स्टॉप लॉस को भी हमें फॉलो करना है, और हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगी और आपको सफल करेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ओके, माइंड मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको मार्केट के अंदर सक्सेस करेगी। लेकिन ये इतना बनने के लिए ना आपको अभी बहुत दिन, बहुत साल खपाने होंगे, क्योंकि ये चीज़ें ना हमें लाइक खुद कब से देख रहा हूँ, जब से मैं मार्केट वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, मैंने एक एक चीज़ को खुद ने जब फील किया है ना, तो मुझे पता चला कि भाई इतना पैसा जाने के बाद ना इतनी चीज़ें सीखा हूँ मैं, राइट। सो मैं तो आपको पर्सनली यही रिकमेंडेड करूँगा। बाकी देखो, अब आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे, देखो मैंने तो पहले बताया ऑप्शंस के अंदर रिस्क होता है, रिस्क कैसे होता है, कि अगर हम लोग कभी कभी ना, हमेशा यार हम लोग सही नहीं होंगे, और अगर हम लोग सही होंगे भी तो हम लोग कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, कभी हमारा टारगेट नहीं लगेगा, कभी हमारा वो नहीं होगा, कभी हम लोग एक्सपायरी में घुस जाएंगे, कभी हम लोग उधर ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि देखो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप चलता है, ये रियलिटी है। इंडियन मार्केट के अंदर जो अपना बैंक निफ्टी, निफ्टी ये जो है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप चलता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ना, वो सोचते हैं कि पैसा कैसे छीने इन लोगों से, ओके, लेकिन जिसका दिमाग शार्प है, जो माइंडसेट के साथ, माइंड मैनेजमेंट के साथ बैठा है, वो इधर पैसा जाने नहीं देगा, वो मार्केट से भी ले लेगा। तो जैसे कि अभी हम लोग रियलिटी की बात कर रहे थे कि ऑप्शन के अंदर, तो देखो ऑप्शन के अंदर ये लोग क्या करेंगे, 10 दिन आपको प्रॉफिट देंगे, 11वें दिन आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी सब कुछ डिस्टर्ब करके वो जो 10,000 आपने कमाए थे ना, वो तो आपसे लेंगे ही, लेकिन प्लस आपका खाता भी खाली कर देंगे। और वो कैसे करेंगे पता है, जब आप 0-0 ट्रेड लोगे,
जब आप एक्सपायरी के अंदर जाओगे, जब आप डीप ओटीएम बाय करोगे, जब आप ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी बाय करोगे, राइट, जब आप टाइम वैल्यू नहीं समझोगे, जब आप एक्सपायरी जब नियर होगी या फॉर होगी, या फिर जब आप बीटीएसटी ट्रेड लोगे, जब आपका ट्रेड गलत जाएगा, जब आपने 100 रुपये का प्रीमियम खरीदा, 50 पे खुल रहा है डायरेक्ट बीटीएसटी के अंदर, डायरेक्ट 50% लॉस, यानी कि 1 लाख का 50% 50,000 रुपये लॉस, सोचो भाई ये होगा आपके साथ, तो आप लोग 1 लाख% बर्बाद हो गए। और आप आपकी गलतियां बताओ कि आप लोग क्या गलती करते थे, जिससे जितने भी लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, और जो जिनके सपने बहुत बड़े हैं, और जो लाइक जिनके पास बहुत कम कैपिटल है, बहुत ज़्यादा पैसा जुगाड़ करके जो चल रहे हैं, वो कभी लॉस ना करें। इसीलिए जो जो गलती अभी तक आपने की है, उन गलतियों को एक बार कमेंट में पिन करें, कमेंट में डालें, मैं सबकी गलतियां पढ़ूंगा क्या क्या, लेकिन इनके ऊपर भी मैं चाह रहा हूं। देखो मैं तो पर्सनली, देखो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन कब करता हूं, जब मुझे ट्रेड लगता है। मैं पर्सनली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुसना ही बंद कर दिया भाई, क्योंकि जब से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं ना, मैंने ये चीज रियलाइज की है कि जब मार्केट में बैठोगे तो आपको कभी ना हर 10-10, 5-5 मिनट में ना यार कि चलो ठीक है टाइम फ्रेम छोटा करो, एक स्कैल्प लेंगे, और स्कैल्प के अंदर ना बहुत लोग बर्बाद हुए, रियली बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग जो है उसके अंदर बहुत लोग बर्बाद हुए। मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी इतनी सटीक है ना, लेकिन कभी कभी मैं खुद बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर लेता हूँ। कारण क्या होता है पता है, कि जब 1-2-5-10 रुपये प्रीमियम जब मूवमेंट करता है ना, इतना बड़ा लॉस दिखता है, लेकिन उतने में हम लोग प्रॉफिट में क्या कर जाते हैं पता है, हम लोग टारगेट रिस्पेक्ट नहीं करते। टारगेट कैसे, कि हमने मान लो 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी है, 98 गई ना, हमें बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमने ऐड कर रखी है, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो 2-4-5 पॉइंट चाहिए होता है, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो वहाँ पे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जब वो 2-4-5 रुपये गिरेगा ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, और जब वो 101, 102, 103 जाएगा ना, तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। वहाँ पे क्या सोचेंगे, हमारा माइंड वहाँ पे क्या कहेगा पता, कि यार यहाँ से अगर पलट गया तो मजे नहीं आएंगे, ये बुक कर लो। और वहीं 103 रुपये पे हमने प्रॉफिट बुक किया, और वही प्रीमियम 106, 107, 108, 109, 110, और हम लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं रिग्रेट। मैंने पर्सनली भाई ये चीज़ें देखी है, तो वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आई डोंट नो यूट्यूब पे कितने लोग हैं, कितने लोग सच बोलते हैं, कितने लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई है ना, ये एकदम ट्रूथ है, ये एकदम सच्चाई है। मार्केट के अंदर लाखों स्ट्रैटेजी है, हजारों स्ट्रैटेजी है, बहुत से लोग हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी बना बना के सेल कर रहे हैं, लेकिन भाई मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन, क्योंकि जो इंडिकेटर्स है ना, सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर है। जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस का मूवमेंट बताता है, यानी कि जब मैंने कोर्सेज बाई किए थे, जब मैं खुद पर्सनली लर्निंग दौर में था, जब मैं खुद पर्सनली लर्निंग फेसेस कर रहा था, उस टाइम क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, कि उस टाइम ना विशाल भी मलखान सर का मैंने कोर्स लिया था, तो उन सर का ऐसा कहना है कि अगर कोई प्राइस कॉल साइड में जा रहा है या फिर पुट साइड में जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब हाँ पॉजिटिव है, कुछ बढ़िया बात है, कुछ बढ़िया न्यूज़ आई है, या फिर जो लोग हैं जो इसको पंप कर रहे हैं वो लोग इसको ऊपर ले जा रहे हैं, वो लोग पैसा लगा रहे हैं तभी तो ऊपर जा रहा है। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो हम लोगों को उसके फ्लो में साथ चलना है, यानी कि अगर हमारा लाइक जो व्यू है वो बुलिश है, हमारे लाइक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको देख के हमको ट्रेड लेना है, प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, यही स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के अलावा मैं दुनिया की किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि देखो मैं एक पूरा टेक्निकली एनालिसिस्ट बंदा हूँ, मैं किसी न्यूज़ के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता, सिर्फ टेक्निकल को छोड़ के, क्योंकि मेरा प्राइस अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो मेरा प्राइस मुझे ऐसा कह रहा है कि भाई पॉजिटिव है, कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि लोग इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। लोग तो ठीक है, FII DII जो बिग इंस्टीट्यूशन से वो पैसा लगा रही तभी तो पंप हो रहा है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टर है तभी वो पैसा लगा रहे, तभी तो वो ऊपर जा रहा है, वरना क्यों ऊपर जाएगी कोई चीज़। अगर कोई चीज़ गिर रही है यानी कि उसकी बैड न्यूज़ आई है, अडानी इंटरप्राइजेज इतना गिरा था, कारण क्या था, खबर आई और फॉल हुआ, कितना भयंकर फॉल हुआ, तो वो फॉल के बीच में अगर हमारा ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क करते हैं, वहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, तो ये हम लोग समझ जाते हैं, हमें कोई न्यूज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जितनी मार्केट में न्यूज़ आती है ना, जो न्यूज़ चैनल पर चलती है, वो सब बासी न्यूज़ है। जितनी भी न्यूज़ आप जी न्यूज़ पर देख रहे हो, कितने भी बिजनेस चैनल पर देख रहे हो, ओके, वो सारी के सारी बासी न्यूज़ है, यानी कि उनको आती है थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन FII DII बिग इंस्टीट्यूशन उनके पास में बहुत जल्दी न्यूज़ हो जाती है, और वो न्यूज़ हमको पता है कैसे पता चलती है, प्राइस के मूवमेंट के साथ। तो प्राइस को प्रेडिक्ट करके ट्राई करो कि उसके साथ आप चल सको, प्राइस के प्रेडिक्शन के साथ चल सको, प्राइस के साथ साथ में रन कर सको। अब प्राइस के साथ में रन कैसे करोगे, जब आपको मार्केट के अंदर लाइक एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब आप मार्केट को टाइम दोगे। टाइम कैसे दोगे, जब आप मार्केट में टिके रहोगे। टिके कैसे रहोगे, जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इमोशंस, साइकोलॉजी, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन,
रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी चीजें हैं इनको फॉलो करके चलोगे। जब मार्केट में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कोर्स है ये वो है, हम क्वालिटी देते हैं, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमारे लेवल बहुत एक्यूरेट है, हमारा ये है वो है, फलाना ढिमकाना हमारी बुक है, ये बुक बाय कर लो, हमारा वो कर लो। कुछ नहीं करना है भाई, वो भी है ना, जितने भी ट्रेडर बने ना वो खुद के दम पे बने, किसी का किसी को सपोर्ट नहीं मिला है। केस जूनियन वाला सर थे, ओके, राकेश जूनियन वाला सर, राकेश जूनियन वाला क्यों बने पता है? क्योंकि उनका माइंड सेट, उनकी साइकोलॉजी और उनका मनी मैनेजमेंट, उनका माइंड मैनेजमेंट सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक था, सब कुछ डिसाइडेड था। उनको पता था कि भाई मुझे कहाँ निकलना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ पिरामिडिंग करनी है, मुझे प्रॉफिट में और खरीदना है या फिर मुझे लॉस में और खरीदना है। आजकल की लाइक जो आजकल जो बिगिनर्स आ रहे हैं उनका बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, उनकी सबसे बुरी बात मुझे लगती है और सबसे गलत वो लोग काम करते हैं पता है क्या, कि जब उनका लॉस होता है यानी कि 100 की चीज़ अगर 90 चल गई, 90 रुपये चल गई, तो वो लोग 90 पे और खरीदेंगे, ऐसा बोलेंगे कि अगर ये 95 चल गई तो हम लोग प्रॉफिट करेंगे। यानी कि वो लोग कर रहे हैं एवरेज और ये एवरेज आपको बहुत बड़ा लॉस देता है। फिर वो 90 रुपए की चीज़ चल गई 80 रुपए, तो 80 रुपए पर वो और ज़्यादा खरीद लेंगे। फिर अगर वो सोचते हैं कि 90 जाएगी तो हमारा लॉस कवर, भैया वो इतना गिरा तो गिरा क्यों पहले ये तो देखो कारण था कि भैया इतना गिरा है, वो क्या कारण था? कुछ कारण था तभी तो कोई मार्केट फॉल हो रहा है, वरना ऑटोमेटिक तो कोई गिरता नहीं है कोई चीज़, ऑटोमेटिक तो कोई चीज़ उठती नहीं है। ओके, मार्केट भी ऐसे ही चलता है। ओके, ये चीज़ है कुछ जो हमें पता होनी चाहिए। और भी बहुत सी कुछ चीज़ें हैं लाइक के, मतलब आप तो सबसे पहले ना आज की वीडियो जो है इसके अंदर आई नो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पैसा अपना बहुत ज़्यादा लॉस किया है, राइट, बहुत ज़्यादा ही लाइक पैसा अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस किया है। तो सबसे पहले उनकी गलतियाँ, जो आप जो हमारी वीडियो देख रहे हो आपने अगर पैसा लॉस किया है तो प्लीज़ आपकी जो गलतियाँ हैं, जो आपने गलतियाँ की हैं वो एक बार कमेंट कर देना, जिससे क्या होगा कि जो बंदे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना हैं, जिनका लाइक हार्ड अर्न मनी है, जो बहुत मेहनत से पैसा कमाए, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़े। देखो मैं पर्सनली करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, और 100% भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा टेक्निकल इतना क्लियर है ना कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ लाइक पर्सनली मुझे बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। ओके, तो जितने भी मेरे स्विंग ट्रेडिंग में लाइक जो मैं जो बाय करता हूँ स्टॉक, शेयर बाय करता हूँ, फ्यूचर्स बाय करता हूँ, उसके अंदर ना भाई मेरे ट्रेड कभी गलत नहीं जाते। यानी कि अगर गलत जाते भी है ना तो मैं प्रॉपरली स्टॉप लॉस देता हूँ। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है पता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड के साथ खेलते हैं। इनको पता है कि अपने दिमाग को बदलना कैसा है, इनको पता है कि कहाँ पे इंसान का कितना पैसा लॉस करना है, इनको पता है कि कौन से प्रीमियम को किस प्राइस पे कितनी बजे कितना गिराना है। ओके, ये ऐसे ऐसे लाइक 2 सेकंड में यहाँ का प्रीमियम यहाँ, यहाँ का प्रीमियम यहाँ, नहीं चलता एक्सपायरी वाले दिन। तो कभी भी हमको एक्सपायरी के अंदर फंसना नहीं है। अगर एक्सपायरी है तो हम लोग सारे जो पैसा है उसके साथ कभी ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1-2 लॉट के साथ ट्रेड करेंगे, जिससे क्या होगा पता है, प्रॉफिट बनेगा, सफिशियंट बनेगा, जितना चाहिए उतना बनेगा, SL भी प्रॉपर रिस्पेक्ट होगा। जब आप अपनी पोजिशन साइजिंग को सही करेंगे ना तो बहुत बेस्ट काम होगा। और गाइस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर पर्सनली मैंने कोर्स भी बना रखा है। यानी कि मेरा कोर्स आने का मोटिव पैसा अर्न करना नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। कारण क्या है, देखो मैंने कोर्स के ऊपर एक पैड वो रखा है क्योंकि देखो मैंने पर्सनली बहुत से वीडियोस बनाए थे पहले मैंने कोर्स सिखाने के लिए, बट लोगों को ना उस पर लाइक रिएक्शन नहीं थे। लेकिन जब मैंने पैड कोर्स बाय किया ना तो लोगों को उस कोर्स की कीमत पता चलने लगी, क्योंकि एक चीज़ बोली जाती है कि ना लोग फ्री की चीज़ की इज्जत नहीं करते, राइट। तो वो जो मैंने कोर्स बनाया वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने बनाया, उसके अंदर सारी मार्केट की रियलिटी है, जो जो स्ट्रेटजी मैं खुद यूज़ करता हूँ जो है मार्केट की सच्चाई, और कैसे मैं खुद पर्सनली ट्रेडिंग करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, मेरी खुद की पर्सनल कान्हास स्पेशल स्ट्रेटजी उस कोर्स के अंदर है। प्लस उसके अंदर उस कोर्स का लाइक मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ, राइट। उस कोर्स के अंदर मेरा खुद का पर्सनली कॉन्टेक्ट सपोर्ट है, यानी कि अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी मैं खुद आपको बैठ करके समझाऊंगा, सभी चीज़ें एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। वो कोर्स का प्राइस है 4999। क्योंकि देखो आप अगर मार्केट में आओगे 10-15-20 हज़ार रुपये लेके, आप 1-2 SL दोगे ना 5-6 हज़ार रुपये आपका ऐसे ही लॉस हो जाएगा, राइट। इसीलिए उसका प्राइस मैंने इतना रखा है। प्राइस जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई ये 5 हज़ार रुपये का कोर्स है, तो भाई इससे जितने का कोर्स है ना ऐसे ज़्यादा वर्थ आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। जो खुद मैंने लाखों रुपए बिगाड़ करके सीखा है, जो मैंने इतने कोर्सेज बाय करके सीखा है, वो सब कुछ तो उसके अंदर है ही, प्लस मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा खुद का पर्सनल आपको सपोर्ट भी है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। ओके, बाकी उस कोर्स के अंदर मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ लॉन्ग टर्म, और ऑप्शन ट्रेडिंग की भी जो रियलिटी है, जो रियलिटी सच में पैसा अगर हमको बनाना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे बनाना है वो भी उसके अंदर मैंने बता रखा है। SL कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए। देखो टॉपिक्स तो आपको पता है बहुत सारे हैं,
अगर ऐसे लेग टेक्निकल्स के सारे लेसन है उसके अंदर, फंडामेंटल्स हम लोग उसके अंदर सारे क्लियर करेंगे, क्या सच्चाई है, क्या ट्रूथ है, क्या होता है मार्केट के अंदर, जितना भी डाटा है कैसे हम लोग उसको रीड करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब कुछ उस कोर्स के अंदर है। आप लोग चाहते हो तो कोर्स का डिटेल्स मेरा पर्सनली फोन नंबर कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ओके, और मेरा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड सीट्स ही हैं, लिमिटेड सीट्स इसलिए क्योंकि देखो इसके अंदर ना लाइक मैंने कुछ लिमिटेड बंदों को ज्वाइन करने का रहेगा, क्योंकि देखो अपने को भीड़ चाहिए नहीं, मैं इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता कि कहना भाई ये बताओ ये बताओ ओके, तो लिमिटेड सीट्स ही हैं। सो अगर आप लोग चाहो तो मेरा कोर्स इनरोल कर सकते हो राइट। बाकी आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर पूरी पूरी वर्थ मिली होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।